हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और आज हम लोग दो ऐसे आर्टिस्ट को सुनेंगे जो कि हसल 02 एंड हसल 03 से हैं। वाओ, टॉक अबाउट द कोलैबोरेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी हसल आर्टिस्ट कोलैबोरेशन बेसिकली। और इस गाने में टाइटल तुमने पढ़ी लिया होगा, बादल द मेलोडिक गाय एंड देन द GD47। कम ऑन मैन, लेट्स गेट इट। तो इस गाने का जो टाइटल है वो है 140। और जो एक्साइटिंग बात है वो ये है बादल को लेके कि ही इज कमिंग अप विद हिज ओन एल्बम, ब्यूटिफुल, इनसेन। और उस एल्बम का नाम होने वाला है नॉट योर टाइप। सो लेट्स सी कि उस एल्बम में किस तरह के गाने होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इज द फीचर्स। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फीचर्स कि उस एल्बम में कौन कौन से फीचर्स होंगे, किस किस आर्टिस्ट के साथ कोलैब होगी। अगर GD के साथ कोलैब करी है भाई ने तो हो सकता है कि कोई बीच में कोलैब पैराडॉक्स के साथ भी हो सकता है कोई बीच में कोलैब ग्रेविटी के साथ भी हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये सब लोग एक ही ग्रुप में है बेसिकली, एक ही अम्ब्रेला के अंडर है, राइट। नैस के साथ कोलैब हो सकती है, बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। एंड अगर नैस के साथ कोलैब हुई, आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिएक्ट ऑन दैट सॉन्ग एंड आई विल लूज माय माइंड, क्योंकि नैस इज माय गाय, ऑलराइट। सो तुम्हें पता है चैनल पे, इस चैनल पे वी लव नैस और हम नैस पे रिएक्ट करते आ रहे हैं इवन व्हेन ही यूज्ड टू मेक डार्क 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 म्यूजिक। बट एनीवेज, चलो इस गाने को सुनते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। म्यूजिक वीडियो है इस गाने की तो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। GD47 क्या करता है, सिंगिंग करेगा भाई या रैप करेगा भाई, जो भी होगा विल फाइंड आउट। ज़्यादा बातें मैं नहीं रखूंगा इंट्रो में, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। 1 2 3 लेट्स गो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने अभी नोटिस करी जब मैंने वीडियो को फुल स्क्रीन में किया कि दिस सॉन्ग इज प्रोड्यूस्ड बाय ये प्रूफ। एंड इफ यू डोंट नो, यू तुम्हें पता होना चाहिए ये बात, बट स्टिल अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये प्रूफ इज अ प्रोड्यूसर ऑफ करण औजला। वो करण औजला के क्रू से है बंदा भाई। सो लेट्स गो, लेट्स गेट इट। या प्रूफ ने करण औजला के बहुत बड़े बड़े हिट्स को प्रोड्यूस किया है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द म्यूजिक, सो लेट्स सी। गड्डी मेरी जावे रुकती और रोक लो, 140 मन लगा छोरे बॉस लो थोड़ी जी। तो 140 का मतलब है स्पीड छोरे बॉस लो, थोड़ी जीना थोड़ी जाना मारा गोल ब्रो, बैरियां का लिक्विड है ना सभी तो छोरा। गाड़ी मेरी जावे रुक दी और रोक लो, 140 मन लगा छोरे बॉस लो, थोड़ी जीना थोड़ी जाना मारा गोल ब्रो, बैरियां का लिक्विड है ना बॉल ब्रो। या दैट रॉयल प्रोडक्शन नाइस। तुमने करण औजला का वो गाना सुना है, आधे यारों दम उड़िया कोई रोक के दिखावे, आई थिंक वो है एंथम समथिंग करके, मेरे को टाइटल भूल गया। उसमें भी इसी तरह का एलिमेंट है, उसमें भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खूब उड़ रही हैं, चल रही हैं सड़क पे, तो बहुत ज़्यादा रेसिंग वाइब्स हैं उस गाने में भी। सो नाइस। एंड द वे, सॉरी फॉर द पॉज, एंड देन द वे जिस तरीके से ड्रॉप आया, दैट वॉज वेरी गुड। तेरा डिस्गस्टिंग फेस बंदी और मेरे गाने का बेस, बहुत भारी गलतियां करी मैंने, बहुत सारी खोट डाली, कब्रें उनके जो थे चलने वाले, बुरा करने वाले, मेरे आसमान में थे अड़ने वाले, जो थे दिल के काले मैंने फाड़ डाले रब के हवाले ब्रो। मुकाबला है किस तय यू सोच लो, रडार में ना आना मेरे दोगलो, मेरे अगर जेलसी हो कर तेरा शो, पाछा पाछा जाके सारे भोंक लो। ओके, गाड़ी मेरी जावे रुक दी और रोक लो, 140 मन लग छोरे बॉस लो, तोड़ी जीना तोड़ी जाना मारा गोल ब्रो, बैरियां का लिक्विड है ना बॉल ब्रो। गड्डी यारा दी नड्डी तो सोनी, बड़ी है गेम थड्डी है मोटी, डैश च फिट नहीं बैंदियां, कहंदियां पट्टा ते रखनी पैणियां, लैणी है खबर मैं उहनां दी। वो 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 GD रिलैक्स, GD रिलैक्स।
ही सेड गड्डी मेरी नड्डी तो सोनी, फॉर जो हिंदी ऑडियंस है नड्डी मींस गर्ल बेसिकली, तो लड़की से भी सुंदर मेरी गाड़ी है और मेरे हाथों में नोटों की गड्डी है और इतनी ज़्यादा है कि वो डैश में फिट नहीं आती, मुझे अपनी गोद में रखनी पड़ती है। डैम, टॉक अबाउट द फ्लैक्स। ਨੀ ਬੈਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੱਟਾ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਖਬਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨ ਤੇ ਵਿਮਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਟ ਮੈਨੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨ ਤੇ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ। What is he saying? What does that mean? ਬੈਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੱਟਾ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਖਬਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨ ਤੇ ਵਿਮਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਟ ਇਗਨੀਸ਼ਨ, ਚਾਬੀ ਕੋ ਮਾਮਾ ਤੇ। But what's the meaning of okay, I'm trying to figure out कि पॉलिटिशियन क्यों बोला यहाँ पे? आई डोंट नो, मे बी ही सेइंग कि आई डोंट नो। कोई भी नहीं रोकदा, जो भी बन रहे शेर देखी चाल कैसे सारे आना ठोकदा। हाँ, तेरी बंदी से ज्यादा मेरी होज लॉयल, कभी झुकते नहीं बेटा मेरा खून रॉयल, मेनोपॉज पे तेरी क्रिएटिविटी, तेरा थोबड़ा करे मेरा खून बॉल, मेरा अच्छा ब्रो, मैं हिप हॉप का कांचा ब्रो, चा ब्रो तू तेरा ढांचा ब्रो, कमजोर तू मैंने जाचा ब्रो, माड़े आना दूर ते नो नो, नो डोंट स्लो मी डाउन, डोंट स्लो मी डाउन। भाई अच्छा मजा आ रहा भाई गाना सुनने में। Nice. Artist first. Okay, that's a music label? मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा शायद बादल ने ऑफिशियली इस गाने को ड्रॉप किया है। But anyways, whatever. गाना बहुत अच्छा है यार। इस गाने में जो ड्रिल एलिमेंट है दैट इज वेरी 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 वेल प्रेजेंटेड, और ड्रिल के साथ साथ जो रेज इस गाने में दिखाया गया है गाड़ियों के साथ, भले म्यूजिक वीडियो में हो या फिर गाड़ियों के जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो, आई रियली वांट टू लिसन टू द ऑडियो। सिर्फ एक बार ऑडियो सुन के मेरे को ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या इस गाने में वो जो साउंड इफेक्ट्स हैं गाड़ियों के, रेसिंग के, टायर्स के, ट्रैक्स के, वो ओरिजिनल ऑडियो में भी हैं या ये सिर्फ वीडियो का वर्क है। अगर तो ये सिर्फ वीडियो में है भाई, तो हैट्स ऑफ टू द वीडियो प्रोडक्शन टीम जिन्होंने वीडियो बनाई है, क्योंकि दैट साउंडेड रियली 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 क्लीन। और अगर ऑडियो में है, यू हैव टू गिव प्रॉप्स टू द प्रोड्यूसर जिसने वो साउंड ट्रैक्स बीच में डाले हैं। सो बहुत अच्छा गाना, बहुत प्यारा गाना, ड्रिल गाना सुने हुए काफ़ी टाइम हो गया था। सो दिस इज अनदर वन ऑफ दोज रेज से भरे हुए गाने, ड्रिल वाले। जब भी कभी रेसिंग में ड्रिल गाना आता है तो इट्स ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, यू हैव टू पुट एनर्जी इन इट, अदरवाइज वो गाना नहीं चलेगा, जो कि इस गाने में पूरी थी 100%। बढ़िया, जीडी का पार्ट वॉज वेरी नाइस, आई लव्ड इट, स्पेशली व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग इन पंजाबी, दैट वॉज रियली गुड। एंड जो बादल का जो अपना एक नेटिव लैंग्वेज टच है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हैवी था, तो जिसके अलग फैंस हैं, जो उसके फैंस हैं, उनको वो बहुत पसंद आएगा। बट हाँ, बहुत प्यारा गाना, बहुत खूबसूरत गाना। लेट्स सी कि बादल की एल्बम में कौन कौन से गाने आते हैं, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि कैसे होने वाली है एल्बम, क्या वो एल्बम पूरी मेलोडिक होगी या फिर, क्योंकि मैंने इस तरीके से बादल को ड्रिल पे आके एकदम यू नो अग्रेसिवली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ही डिड इट रियली वेल, क्योंकि हसल में ऑलमोस्ट सारे गाने उसने बहुत मेलो परफॉर्म किए थे। तो लेट्स सी कि एल्बम मेलो होती है, एक
ट्रैप होती है व्हाटएवर, यहाँ सब चीज़ों का मिक्सचर होता है, वी विल फाइंड आउट. बट तुम बताना तुम्हें ये गाना कैसा लगा, जीडी का पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में. एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए मिलते हैं, ख्याल रखो अपना, बाय बाय, पीस आउट.